ब्रह्माक्षर्मजम् नित्यम् यथा सौ पुरुषोत्तमः तथा रागाद्यो दोषाः प्रयान्तु प्रश्मम् मम। अर्थात जैसे भगवान पुरुषोत्तम सर्वव्यापक निर्विकार अजन्मे एवं नित्य हैं, वैसे ही उनके स्मरण से मेरे रागादि दोष शांत हो जाएं। भक्त की भक्ति आपको या हमें क्या, भगवान के हृदय को भी पिघला सकती है। भक्ति का मार्ग जितना कठिन है उतना ही सरल हो सकता है, आवश्यकता है तो केवल प्रेम की। भक्त और भक्ति का परिचय उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में मिलेगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। भक्ति की विभिन्न अवस्थाओं को जानने वाला कोई पुरुष भक्त का मनोविश्लेषक तो हो सकता है, परंतु स्वयं भक्त नहीं हो सकता। भक्त होने के लिए मनोविश्लेषक होना या भक्ति के विभिन्न सोपानों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। ऐसा साधक अपने आराध्य या अपने प्रिय में पल पल अपने को विसर्जित करने का आनंद प्राप्त करता है। वह उत्ताल लहरों पर तैरती उस नाव के समान होता है जिसे यत्र तत्र सर्वत्र विशाल जलराशि सा अपना प्रिय दिखाई देता है। वह अपनी भावना के अनुरूप अपने आराध्य का दर्शन अपने अंदर की आंखों से करता है। इसके अतिरिक्त वह भक्त बाहर घर में मंदिर में चिंतन में अथवा चर्चा में केवल उनके ही साथ जीता है। इसे हम एक कथा द्वारा समझेंगे। प्राचीन समय की बात है, कंडू नामक एक मुनि गोमती नदी के घाट पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। उनका तपोवन फूलों फलों से भरे वृक्ष और लताओं से बड़ा ही सुहावना था। वहां वे मुनि व्रत उपवास मौन आदि नियम संयम का पालन करते हुए कठोर तप में लगे रहते थे। गर्मी में वे पंचाग्नि में तपते, वर्षा में खुले स्थान में भूमि पर पड़े रहते, जाड़ों में भीगा वस्त्र पहनते या जल में खड़े रहते। मुनि का तप देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए प्रम्लोचा नाम की अप्सरा को कामादि के साथ भेजा। मुनि के आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने गाने और उन्हें लुभाने लगी। कामदेव ने मुनि के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अब तक अपने तप के ही बल पर रहने वाले थे, भगवान का आश्रय था नहीं तो वे उस अप्सरा के वश में हो गए। कामवश होकर प्रम्लोचा अप्सरा को उन्होंने आश्रम में रख लिया और तपोबल से स्वयं 16 वर्ष के युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरा में आसक्त हो गए थे। उनके स्नान संध्या हवन तर्पण व्रत नियम और उपवास आदि सब छूट गए। इस प्रकार उस अप्सरा ने मुनि को अपने मार्ग से भटका दिया। कंडू मुनि कामवश उस अप्सरा में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें रात दिन पक्ष मास तो क्या वर्षों का भी कुछ ज्ञात नहीं होता था। इस प्रकार 100 वर्ष बीत जाने पर अप्सरा ने स्वर्ग जाने की इच्छा की। मुनि ने उसे कुछ दिन और ठहरने को कहा। 100 वर्ष और बीतने पर प्रम्लोचा ने फिर आज्ञा मांगी। तब भी ऋषि ने उसे कुछ दिन ठहरने को कहा। इसी प्रकार शताब्दियां बीतती चली गईं। मुनि आज्ञा देते नहीं थे और उनके शाप के भय से अप्सरा जा नहीं पाती थी। एक दिन पिछले पुण्यों के प्रभाव से मुनि की चेतना जागृत हुई। वे शीघ्रता पूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, भगवन आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है, वह तो हर दिन ही होता है। कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो संध्या की ही नहीं। मुनि को आश्चर्य हुआ।
उन्होंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया कि भगवन, यह तो ठीक है कि मैं जब आई तब प्रातः काल का ही समय था, किंतु उसे तो 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके। मुनि को विश्वास ही नहीं होता था। अप्सरा ने समझाया कि आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस करेगा? फिर जब आप आज सतपथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा ही दुख हुआ। मुनि बोले कि ओ पापिनी, तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, पर सत्पुरुष जिसके साथ सात पग भी चल लेते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा, तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हो गया। मुझे धिक्कार है, मेरा मन मेरे वश में नहीं था। मैंने तेरे माया जाल में फंसकर स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहां से शीघ्र चली जा। फिर प्रमलोचा प्राण बचाकर शीघ्र ही वहां से भाग गई। तप भंग होने से कंडू मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। ये श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कठोर नियम व्रतों का पालन करते तथा श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से उन करुणा वरुणालय प्रभु की ही स्तुति किया करते थे। भगवान में लगते ही मुनि का मन निर्मल हो गया। उनमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। मुनि की भक्ति एवं उत्कंठा देखकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान रंग वाले परम सुंदर सुकुमार ज्योतिर्मय श्रीअंग पर पीतांबर पहने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वक्ष पर श्रीवत्स के चिन्ह तथा वनमाला से भूषित त्रिभुवन सुंदर भगवान को मुनि ने अपने सामने ही देखा। भगवान ने उनसे कहा कि हे सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? तुमको जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। कंडू मुनि प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से निकला कि प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। फिर उन्होंने भगवान की पूजा की और फिर भगवान के गुण प्रभाव आदि का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान के पुनः वरदान मांगने को कहने पर मुनि ने कहा कि हे प्रभु, यह संसार बड़ा ही दुस्तर सागर है। यहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। मैं इसमें आपकी माया से मोहित होकर अनादिकाल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अंत नहीं मिला। अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। हे देव देवेश गोविंद, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस संसार सागर से सदा के लिए पार कर दें। भगवान ने कहा कि मुनि, तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुष किसी वर्ण का कोई भी मनुष्य हो, जो कोई भी मेरी शरण आता है, जो भी मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्तवत्सल श्रीहरि मुनि को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कंडू मुनि ने भी समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता तथा अहंकार को छोड़कर इंद्रियों को भली भांति संयत करके मन को भगवान में लगा दिया और वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। वस्तुतः भक्त और भगवान एक ही मानस की दो स्थितियां हैं। भक्त दिखाई पड़ता है जबकि भगवान अनुभव में आते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, परंतु जिसे वे दिखाई देते हैं वह भक्त कहलाता है। शास्त्रों से, प्रेरक प्रसंगों से या सत्संग से भक्ति जागृत हो सकती है, किंतु भक्त होने के लिए अपने अंदर के राम के प्रति आस्था होनी चाहिए। उनके विराटत्व के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ अनन्यता भी होनी चाहिए। अनन्यता का तात्पर्य उस भाव से है
जो गोस्वामी तुलसीदास का श्री राम के प्रति या मीरा का श्री कृष्ण के प्रति था। व्यक्ति पदार्थ तथा मूर्ति में अपने ही प्रिय को देखना भक्त की सात्विक दृष्टि का परिचायक है। जब अनन्यता सिद्ध हो जाती है तब मुक्ति के मार्ग उसके लिए खुले रहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।